आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 9 नवंबर को 2017 को पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र। तो गुरु पुष्य नक्षत्र का या पुष्य नक्षत्र का क्या महत्व होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सामान्य जन पुष्य नक्षत्र से बहुत गहराई से परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अत्यंत शुभ होने के बारे में जानकारी सबको पता है, जन जन में ये जानकारी व्याप्त है। तो इस शुभ काल में खरीद फरोख्त बहुत शुभ मानी जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं गहराई से कि पुष्य नक्षत्र क्या होता है और इस नक्षत्र में जन्मे जातक किस प्रकार अपने जीवन में उन्नति करते हैं। तो चलिए, 9 नवंबर का गुरु पुष्य नक्षत्र है, हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के बारे में बता देता हूँ आपको। पुष्य नक्षत्र को अन्य नामों जैसे तिश या अमृतश्य से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र की उपस्थिति कर्क राशि के 3-20 अंश से लेकर 16-40 अंश तक है। अमृतश्य का शाब्दिक अर्थ है देवताओं के द्वारा पूजा जाने वाला। शनि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के रूप में मान्य है, लेकिन गुरु के गुणों से इसका साम्य कहीं अधिक बैठता है। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा इस नक्षत्र पर आता है तो उस व्यक्ति में कुछ गुण दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करने में अटूट विश्वास, धन धान्य की संपन्नता, बुद्धिमता, राजा और अधिकारियों का प्रिय होना, भाई बंधुओं से युक्त होना। देखा जाए तो ये सभी गुण गुरु के हैं और वह इस बात से सिद्ध भी होता है। अब हम दूसरा महत्व आपको बताते हैं। पहले गुण को देखते हुए गुरु देवताओं के गुरु हैं और एक ब्राह्मण ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसलिए देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों का सम्मान इसके गुणों में सम्मिलित होगा। जहां तक धन दान से संपन्नता का प्रश्न है तो गुरु धन के प्रदाता होते हैं, इस कारण से व्यक्ति धनवान होता है। बुद्धिमता और अन्य गुणों तो देवगुरु होने से निश्चित रूप से होंगे ही। अब चूंकि विंशोत्तरी दशा में पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि को माना जाता है, इसलिए नक्षत्र में शनि के गुण दोषों को भी देखना जरूरी माना जाता है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। जिस जातक का जन्म शनि युक्त पुष्य नक्षत्र में होता है उसमें धर्मपरायणता, बुद्धिमता, दूरदर्शिता, विचारशीलता, संयम, मितव्ययिता, आत्मनिर्भरता, गंभीरता, शांत प्रकृति, धैर्य, अंतर्मुखी प्रकृति, संपन्नता, पांडित्य, ज्ञान, सुंदरता और संतुष्टि होती है। ऐसे जातक किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ये शंकालु प्रवृत्ति वाले और कुसंगति में पड़ जाने वाले भी हो सकते हैं। इनके जीवन में 35-40 की उम्र अत्यंत उन्नति कारक होती है। विवाह में कुछ विलंब होता है और कई बार इन्हें अपने परिवार में कठिन परिस्थितियां भी देखनी पड़ती है। अब इसके महत्व को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छे प्रबंधन के कारण व्यवसाय में इन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलता है, पर इनके किसी गंभीर रोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस नक्षत्र में उत्पन्न स्त्रियां भी बहुत ही लजीली, शर्मीली और धीमे स्वर में वार्तालाप करने वाली होती है। दाम्पत्य जीवन में ऐसी स्त्रियों को कभी कभी पति के संदेह का सामना भी करना पड़ सकता है। पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है और नीलम शनि का रत्न है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो उसे नीलम धारण करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। पर नीलम धारण करने से पहले जो भी स्पेशलिस्ट हों उनसे आप पूछ जरूर लीजिएगा। जिन जातकों की कुंडली में शनि शुभ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में हो, उनको नीलम धारण करने से बहुत लाभ होता है। यदि आप भी श्रेणी में आते हैं तो नीलम धारण करना आपके लिए शुभ होगा। इसके लिए शनिवार को ही नीलम खरीदें और फिर उसे पंच धातु के अंगूठी में जड़वाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। गंगाजल से उसकी शुद्धि के पश्चात ओम शन शनिश्चराय नमः शनि के मंत्र का जाप करके सूर्यास्त से या सूर्यास्त के समय भी 1-2 घंटा पहले आप पहन लीजिएगा, सूर्यास्त से पहले तो चलेगा।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।